हापुड़ में मुंह में पेट्रोल भर आग का करतब दिखाने में लगी आग। आग में 5 बच्चे समेत 8 लोग झुलसे। मोहल्ला गढ़ी में जन्माष्टमी के अवसर पर कार्यक्रम के दौरान ये आग लग गई। माहौल देख घंटों मची रही लोगों में अफरा तफरी। स्थानीय लोगों की मदद से झुलसे हुए लोगों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र के गढ़ी का ये मामला है। गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ क्षेत्र की गरिमा गार्डन कॉलोनी में एक स्कूल के पास खाली पड़े मैदान में बोरी में करीब 10 साल की बच्ची का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव तकरीबन 7 से 8 दिन पुराना बताया जा रहा है। हत्या कर शव यहां फेंके जाने की आशंका भी जताई जा रही है। हालांकि लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। नोएडा के जेआर एयरपोर्ट के निर्माण कार्य की सुरक्षा को लेकर पुलिस कमिश्नर आलोक ने सेक्टर 108 स्थित कमिश्नरेट ऑफिस में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के सीईओ क्रिस्टोफ स्वेलमैन, सीओओ किरण जैन व सरकारी मामलों की प्रमुख नीलू खत्री के साथ बैठक की, आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नोएडा में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर गौतम बुद्ध नगर पुलिस लाइन में सांस्कृतिक कार्यक्रम का परंपरागत भव्यता के साथ आयोजन हुआ। नोएडा के थाना सेक्टर 58 नोएडा पुलिस द्वारा 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। कब्जे से 1 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है। उनको जेल भेज दिया गया। नोएडा के थाना दादरी पुलिस द्वारा 3 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। कब्जे से अवैध हथियार व कार बरामद की गई है। नोएडा के थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा लूट की योजना बनाते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से कब्जे में अवैध हथियार थे जो बरामद कर लिए गए हैं और उनको जेल रवाना कर दिया गया है। गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र के पास इलाके राजनगर में बुजुर्ग दंपत्ति को हथियारों के बल पर बंधक बनाकर बदमाशों ने लाखों रुपए की लूट को अंजाम दिया है। राजनगर इलाके में रहने वाले सुरेंद्र वर्मा कई फैक्ट्रियों के मालिक हैं और अपनी बुजुर्ग पत्नी के साथ अकेले मकान में रहते थे। घर का ताला काट कर बदमाश घर में घुसे। आवाज सुनकर सुरेंद्र की आंख खुली तो 4 बदमाशों को अपने सामने पाया। बदमाशों के हाथ में हथियार थे जिसके बल पर घर में रखे तकरीबन 1.5 लाख रुपए और 2.5 लाख रुपए की ज्वेलरी लूट ली। बदमाश जाते समय घर में लगी CCTV का DVR भी अपने साथ ले गए। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और बदमाशों की तलाश में जुट गई है। साइबर ठगी पर अंकुश लगाने के लिए गाजियाबाद पुलिस लगातार कार्यवाही कर रही है। गाजियाबाद के कोतवाली पुलिस व साइबर सेल ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए ठग ऑनलाइन गेमिंग का नाम लेकर लोगों को निशाना बनाकर ठग करते थे। गैंग लोगों से ठगे पैसे बैंक के खातों में डलवाता था और विदेश में बैठा गैंग का मुखिया पैसे निकाल लेता था। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज